कर्ज की भीख मांगने वाले दोस्त पाकिस्तान से मुंह मोड़ने लगा सऊदी अरब, चीन भी चुराने लगा नजरें। दोस्तों, अक्सर आप अपने दोस्त से किनारा करने लगते हैं जो हर दिन आपसे मदद के नाम पर पैसे मांगता रहता है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो शायद पैसे जल्दी नहीं लौटा पाएगा। लगता है कि यही कहानी अब पाकिस्तान की किस्मत बन चुकी है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट की माने तो मित्र देशों ने पाक को और फंड न देने का मन बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये सब तब हो रहा है जब देश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। आम नागरिक की जेब बोझ से ऐसी दब गई है कि उसकी सांसें फूलने लगी है। ऐसी मुश्किल हालात में पाक की नजरें सऊदी अरब जैसे अपने करीबी दोस्तों पर टिकी थी। अब इन्हीं दोस्तों को लगता है कि पाक से किनारा करना ही ठीक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज के बाद भी देश के हालात सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ने उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी है। वो अब पाकिस्तान की वो पुरानी बदहाली की कहानी सुन सुनकर तंग आ गए हैं। बेल आउट पैकेजेस भी अब खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। आज से 5 या 10 साल पहले अगर पाक अपने किसी दोस्त से मदद मांगता था तो वह तुरंत दौड़े चले आते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर में जिस सऊदी अरब ने पूर्व इमरान सरकार को $4.2 बिलियन का पैकेज दिया था, अब वही मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है सारे फंड खत्म हो चुके हैं और अब मदद की पुरानी कहानी भी फीकी पड़ चुकी है। ये कहानी अब किसी काम की नहीं है और पाक को अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। देश में महंगाई पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के IMF लोन प्रोग्राम को वापस लाने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी गई थी कि वो सभी तेल उत्पादों पर इमरान सरकार की तरफ से जो सब्सिडी तय की गई थी उसे वापस लिया जाए। इस शर्त के बाद ही इमरान सरकार गिर गई। IMF के लोन प्रोग्राम को रिवाइव नहीं किया जा पा रहा है। संस्था की तरफ से पाक के सामने कुछ मांगे रखी गई है और पाक के रुख से भी संतुष्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान को IMF से मदद नहीं मिली तो फिर देश के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। आर्थिक सर्वे में बताया जा चुका है कि सभी चुनौतियों के बाद ही पाक ने 6% की GDP दर हासिल करने में सफलता हासिल की है, लेकिन हालात में ज्यादा बदलाव नहीं है। चीन की तरफ से भी $2 बिलियन से ज्यादा का कर्ज दोबारा दिया गया है, मगर अब वो भी देश को ज्यादा मदद करने के मूड में नहीं है। पाक को और डॉलर चाहिए और फिलहाल ऐसा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम तो बढ़े ही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एक कदम से ये दाम फिर से बढ़ सकते हैं। वैश्विक एनालिस्ट फर्म ने दुनिया को चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम $380 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक JP Morgan की एनालिस्ट का कहना है अमेरिका और यूरोपीय देशों के जुर्माने की वजह से रूस कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत $380 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। G7 देशों ने हाल ही में रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर एक नई नीति पर बात की थी, जिसे लेकर फैसला किया गया था कि वे रूस के तेल के आयात को शर्त मंजूरी देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बाकी दुनिया के लिए रूस के इस फैसले के नतीजे तहलका मचाने वाला हो सकता है। कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन की दर 30 लाख बैरल की कमी से लंदन बेंचमार्क पर तेल की कीमत $190 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन 50 लाख बैरल घटने से इसकी कीमत $380 प्रति बैरल तक जा सकती है। रूस को कमजोर बनाने की नीति क्या कारगर साबित होगी? JP Morgan के एनालिस्ट का कहना है G7 देश का ये फैसला यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आर्थिक स्थिति पर चोट करने का था, लेकिन रूस की माली हालत फिलहाल मजबूत स्थिति में है। वहीं सरकार ने हाल ही में डीजल, पेट्रोल और एयर टरबाइन ईंधन के निर्यात पर सैद सहित सभी रिफाइनरियों पर अप्रत्याशित कर लगाया है। इसके अलावा घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर भी उपकर लगाया गया है। विश्लेषकों का कहना है विकास रिफाइनरियों के लिए ये एक झटका है क्योंकि उन्होंने वित्त वर्ष 2013 के अनुमानों में भारी कटौती की है। विश्लेषक ने कहा इस कर का इस्तेमाल ऑटो ईंधन पर OMC के नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ETF पर निर्यात शुल्क भी 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा कि भारतीय निर्यातकों को कुल शिपिंग बिल पर घरेलू बाजार में 50% पेट्रोल बेचना होगा, जबकि कुल शिपिंग बिल पर उन्हें घरेलू बाजार में 30% डीजल बेचना होगा। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपए प्रति टन का उपकर लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों के रूस पर दबिश बढ़ाने की पूरी संभावना है। रूस चुप नहीं बैठेगा और तेल का निर्यात घटाकर बदला ले सकता है। अगर रूस तेल का निर्यात घटाने के लिए उत्पादन ही कम कर देता है तो इससे तहलका मचने की पूरी संभावना है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC ने सहयोगी देशों के तहत हुए समझौते के तहत जून में तेल उत्पादन में इजाफा नहीं किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।